हेलो दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, अक्सर हम लोगों को नेशनल हॉलीडेज में, ठीक है, लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, इन सभी डेज में या कोई स्पेशल डेज हो तो वहाँ पर हम लोग नारेबाजी लगाते हैं, स्लोगन लगाते हैं, जहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, भारतीय किसान जिंदाबाद, गणतंत्र जिंदाबाद। इस तरीके के स्लोगन को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कौन सा फ्रेज का यूज करते हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं इसके स्ट्रक्चर को। उससे पहले जानते हैं जिंदाबाद। इसको हम लोग दो अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। आपने कई मूवी में सुना भी होगा, कई कार्टून्स में। इसका पहला मीनिंग है अप विद, और दूसरा मीनिंग है लॉन्ग लिव। दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसका यूज कीजिए। इसको ये स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे अप विद या नहीं तो लॉन्ग लिव। उसके बाद हम लोग लगा देंगे अदर वर्ड्स, जो भी आप वर्ड्स आप बोलना चाहते हैं। इसको बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखिए। तो आज का पहला सेंटेंस है बीजेपी जिंदाबाद, मीन्स भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे लॉन्ग लिव भारतीय जनता पार्टी, लॉन्ग लिव भारतीय जनता पार्टी, या अवैत भारतीय जनता पार्टी, अवैत भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट सेंटेंस भारतीय किसान जिंदाबाद। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे लॉन्ग लिव इंडियन फार्मर, लॉन्ग लिव इंडियन फार्मर, लॉन्ग लिव इंडियन फार्मर्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस गणतंत्र जिंदाबाद। इसके लिए बोलेंगे लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी, लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी, यानी तो अवैध डेमोक्रेसी, अवैध डेमोक्रेसी। कांग्रेस जिंदाबाद। इसके लिए बोलेंगे लॉन्ग लिव कांग्रेस, लॉन्ग लिव कांग्रेस, यानी तो अपविथ कांग्रेस, अपविथ कांग्रेस। हे गाइस, इसी जोड़े मैं आपको एक संडे देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी, तो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को हिट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और मजेदार लेसन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, हैव फन, टेक योर सेल्फ, बाय बाय।